तमिलनाडु में बीजेपी के सहयोगी दल पीएमके ने पत्रकारों को सवाल पूछने पर टुकड़े टुकड़े कराने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने पीएमके के अध्यक्ष एस रामदास से पेड़ काटकर पार्टी के विरोध करने के तरीके पर सवाल पूछे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। इसमें पीएमके अध्यक्ष एस रामदास कई साल पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो सवाल पूछेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। बता दें कि पत्रकार ने उनसे पेड़ काटने को लेकर सवाल पूछा था। जानकारी के मुताबिक एस रामदास शनिवार को चेन्नई में हेट पॉलिटिक्स पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया, मैंने उन्हें बताया कि सवाल का जवाब मैं सैकड़ों बार दे चुका हूं, आप एक खास मकसद से बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं जिससे ये साबित किया जा सके कि रामदास पेड़ कटवाता है। आप ये सुनिश्चित कराना चाहते हो कि जो लोग इस बारे में नहीं जानते वो भी जान जाएं। एस रामदास ने बताया, ऐसे में मैंने उन लोगों से कहा कि भविष्य में जब कोई प्रदर्शन होगा तो हम पेड़ नहीं काटेंगे, उस वक्त हम ऐसे लोगों को काटेंगे जो सवाल पूछते हैं। इस दौरान पीएम के नेता ने पत्रकारों को अपशब्द भी कहा। उन्होंने कहा, अरे कुत्तो यहाँ आओ और देखो कि मैंने कहाँ कहाँ पेड़ लगवाए हैं। पिछले एक साल में 1,00,000 रुपए इनाम देने की बात भी कह रहा हूँ लेकिन कोई भी नहीं आया। मैंने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट में जंगल उगा दिया है। रामदास की टिप्पणी पर चेन्नई प्रेस क्लब के अलावा पत्रकारों के अन्य फोरम ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की असली मालिक जनता है जो इस तरह के बयान देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।